देखो जितने भी मॉन्टेज क्रिएटर है अभी के टाइम में आ रहा है वो लोग ढंग का एक स्क्रीन रिकॉर्डर ढूंढ रहे हैं जिससे उनका मॉन्टेज एकदम नेक्स्ट लेवल रिकॉर्ड हो पाए तो बहुत सारे क्वालिटी uh, में यहाँ आप पे आपको क्वालिटी ड्रॉप देखने को मिलता है बहुत सारे स्क्रीन रिकॉर्डर में लैग देखने को मिलता है मैंने पहले भी एक वीडियो में सजेस्ट किया था अपने इन जो स्क्रीन रिकॉर्डर होता है उसे यूज़ करो बट उसमें भी एक दिक्कत होता है आपका एफ लेवल देख करके उसमें आपको सेवन ट्वेंटी आराम से क्वालिटी देखने को मिल जाता है बट मेन होता है गेम का स्मूदनेस उसमें सिक्सटी ए पी एनेबल नहीं होता है इन में उसमें यार फिक्स रहता है फोर रहेगा भी थर्टी रहेगा एंड लो इन डिवाइस में तो यार बहुत ज्यादा लैगी होने लगता है एंड ये भी कोई स्पॉसरशिप वीडियो है नहीं ठीक है ना तो यहाँ पे ग्लिप एक रिकॉर्डर है यहाँ पे तुम सभी को पता होगा मैंने इसके ऊपर भी पहले वीडियो बना के रखा था बट अभी कुछ स्पेशल अपडेट आने के कारण ये ग्लिप रिकॉर्डर और भी ज़्यादा अच्छा हो चुका है ठीक है तो इसमें यार स्मूथनेस आपको आराम से देखने को मिल जाएगा 4K तक तुम लोग रिकॉर्ड कर सकते हो बट मैं तुम लोग को यार लो एंड डिवाइस लोग बहुत लोग यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डर ढूंढ रहे हैं क्योंकि बहुत सारा लैग होता है तो इसलिए थोड़ा बहुत मैं तुम लोग को बेसिक सेटिंग बताऊँगा एंड उसके बाद मैं आपको वी एन अपलीकेशन पता ही होगा उसमें यार आप लोग अपने अमाउंटेज को नेक्स्ट लेवल एडिट करके इफेक्ट वगैरह थोड़ा डाल के फोर तक एक्सपोर्ट कर सकते

में तुम लोग को सिलेक्ट करना है तो मैं तुम लोग को बेसिक सेटिंग बताऊंगा यहाँ पे एक अच्छा फीचर है सिक्सटी सेकंड का तुम लोग को जितना भी क्लिप होता है वो तुम लोग एक बार में रिकॉर्ड कर सकते हो या फिर पूरा रिकॉर्ड कर सकते हो एक ही बार में तो मैं बोलूंगा सिक्सटी सेकंड को रैन दो उसमें थोड़ा सा एस ड्रॉप होता है काफी ज्यादा अजीब हो जाता है क्वालिटी तो आप एक ही बार में फुल रिकॉर्ड यहाँ पे सिलेक्ट करके वहां का मैं बेसिक सेटिंग तुम लोगों को बता देता हूँ कैसे करना है तो फुल रिकॉर्डिंग में तुम लोग जैसे यहाँ पे जाओगे यहाँ पे आपको वीडियो यहाँ पे सेटिंग देखने को मिल जाएगा तो मैंने अपना अपने मोबाइल के हिसाब से रखा है तो तुम लोग क्या करना अगर अच्छा डिवाइस है तो टेन में रहने अगर थोड़ा लो एंड डिवाइस है काफी लैग होता है तो उसे यार सेवन ट्वेंटी पी रह देना तो सबसे पहले ऊपर चार ऑप्शन देखने को मिलेगा लो मीडियम हाई तुम को कस्टम में रख के अपना क्वालिटी सिलेक्ट करना है तो मेरा हाई एंड डिवाइस तो मैं 1080p में रख सकता हूं तो तुम लोग से चेक कर लेना टेन एटी में ज्यादा हीट ना हो तो ट्वेंटी पी कर लेना टेन एट पी रहने देना उसके बाद एप पी एस आपको सिक्सटी रखना अगर तुम लोग का भी एक अच्छा फीचर है तुम लोग अगर डिवाइस थर्टी एफ पी एस या फिर फोर्टी एपीएस उससे फर्क नहीं पड़ता ये रिकॉर्ड है तुम लोग आराम से में पूरा स्मूथनेस रिकॉर्ड करके देगा ऐसा लगेगा थर्टी एप एस का डिवाइस है नहीं कोई भी लैग नहीं दिखेगा मॉन्टेज बट तुम लोग को गेम प्ले के ऊपर में अच्छा खासा क्लचेस निकालना होगा अब आते हैं बीट्रेड के ऊपर बीट्रेड अगर मेरा अगर तुम्हारा अच्छा डिवाइस है तुम लोग ट्वेल्थ एम रखो काफी ज्यादा अच्छा क्वालिटी मिलेगा अगर लो एंड है तो एट एम रखना अगर थोड़ा मीडियम रेंज का डिवाइस है तो टेन एम बी रखो तो मेरे ख्याल से तुम लोग टेन नहीं तो ट्वेल्थ के बीच में रख सकते हो अगर कुछ ज्यादा गेम में फ्रेम ड्रॉप या डॉप लैग होता है तुम लोग एट एम कर लेना लो एंड डिवाइस के लिए तो मैं अभी प्रीफर करूँगा बारह एम बी और कुछ सेटिंग छेड़छाड़ नहीं करना इतना होने के बाद में नीचे लॉन्च का बटन दिखेगा वहां पे टैप करके तुम लोग रिकॉर्डर स्टार्ट कर देना लोग को दो सेटिंग करना आपको आपको है आपको ऑडियो सोर्स में जाकर आपको इन गेम ऑडियो रखना है एंड ऊपर से जाकर के आपको नीचे देखने को मिलेगा एडिशनल सेटिंग यहाँ पे आपको फ्लोटिंग आइकॉन का ऑप्शन देखने को मिलेगा उसे ऑफ कर देना इससे क्या होगा स्क्रीन में आपको कोई भी फ्लोटिंग आइकॉन नहीं रहेगा एंड गेम को स्टॉप करने के लिए स्टार्ट करने के लिए नोटिफिकेशन बार का यूज करना वहां से स्टार्ट एंड स्टॉप कर सकते हो तुम लोग इजिली सिंपल यहाँ पे रिकॉर्ड करने के बाद में काइन मास्टर और जो भी एप्लीकेशन हो अच्छे से एडिट यहाँ पे कर लेना अपना मॉन्टेज को एंड खत्म होने के बाद में वी एन एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से ईजिली तो वो डाउनलोड करने के बाद में उसमें जाकर तुम लोग फोर के में सिक्सटी एपी में एक्सपोर्ट हाई लेवल कर सकते हो एंड थोड़ा फिल्टर एंड चेंजेस करने के बाद में क्वालिटी तुम लोग को और भी नेक्स्ट लेवल देखने को मिल जाएगा मॉन्टेज के अंदर के इंटरफेस हम लोग को देखने को मिल जाए तुम लोग इजिली फोर के में एक्सपोर्ट यहाँ पे कर सकते हो तो काफ़ी ज्यादा मस्त क्वालिटी होता है अगर तुम लोग फोर के नीचे में एक्सपोर्ट करके यूट्यूब में अपलोड करते हो तो यूट्यूब में यार प्रोसेसिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है जिससे यार तुम लोग का क्वालिटी और भी गिर जाता है तो याद रखना फोर के में तुम लोग को एक्सपोर्ट करना है यहाँ से यूट्यूब में भी फोर के में अपलोड करना है जिससे प्रोसेसिंग में थोड़ा सा टाइम और क्वालिटी भी तुम लोग को यार गिरे ना यूट्यूब में तो ये मेरा सिंपल सा एक मैंने मॉडस का क्लिप यहाँ पे डाल दिया तुम लोग क्वालिटी देख सकते हो अभी फिलहाल कैसा है यहाँ पर तो भी मैं थोड़ा सा इफेक्ट तुम लोगों को बताता हूँ क्या क्या ऐड करना कुछ फिल्टर भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा बट उतना फिल्टर को इसमें यूज नहीं करना बट सिनेमेटिक के लिए एक फिल्टर यहाँ पर है तो वो मैं तुम लोग को दिखा देता हूँ बाकी फिल्टर इतना कुछ खास नहीं है इसके अंदर सिनेमेटिक फिल्टर दिखा देते तो फिल्टर का ऑप्शन में जाकर तुम लोग को लाइफ का ऑप्शन में जाकर एल टू सेलेक्ट करने पर देख सकते हो क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा सिनेमैटिक देखने को मिल जाता है तो इसका परसेंटेज हंड्रेड इस रखने से भी ठीक होता है बट मैं प्रिफेयर करूँगा तुम लोग फिफ्टी यहाँ पर रखना तो थोड़ा बेटर यहाँ पे सिनेमेटिक देखने को मिल जाएगा तो ज्यादा तुम लोग फिल्टर भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो बट बाकी फिल्टर देख लेने का कुछ खास नहीं होता तो मैं यहाँ पे नॉर्मली रहने देता हूँ अपने यहाँ पे तो सिनेमेटिक में कुछ ऐसा फील देख सकते हो तुम लोग देख दो काफ़ी ज़्यादा सिनेमेटिक मस्त है तो फिलहाल मैं अभी नॉर्मल फिल्टर रख देता हूं ओरिजिनल पे मैं थोड़ा क्वालिटी दिखा तो कैसे तुम लोग नेक्स्ट डबल ले जा सकते हो तो यहाँ पे जाने के बाद फिल्टर को ऑप्शन में जाना वीडियो सिलेक्ट करके एंड उसके बाद में तुम लोग को यहाँ पे दिखा देता हूँ ऑप्शन देखने को मिल जाएगा इसके अंदर वहां पर थोड़ा सा चेंजेस करना ना कि फिल्टर के अंदर फिल्टर देख लेना एडजस्टमेंट में आने के बाद तुम लोग को सबसे पहले एक्सपोजर को यहाँ पे टेन ले जाना ज्यादा करने तो थोड़ा बेकार हो जाएगा मैं थोड़ा क्वालिटी अच्छे करने के लिए बता रहा हूँ एक्सपोजर टेन रखना है कॉन्ट्रास्ट को भी टेन रखना है ब्राइटनेस एंड सेचुरेशन को रहने देना कुछ करने का जरूरत नहीं उसमें तुम लोगों का क्वालिटी खुद ब खुद ठीक हो जाएगा उसके बाद वेबरेंस करके तुम लोग को मिल जाएगा उसमें सबका तुम्हारा यार बेटर हो जाएगा ये तुम लोगों लोग फोर्टी नहीं है तो या फिर ट्वेंटी परसेंट रखना तो मैं यहाँ पे फोर्टी पहले रख देता हूँ फुल करने से कुछ ऐसा क्वालिटी होता है तो मैं फिलहाल के यहाँ तो पर तुम लोग दिखा देता हूँ फोर्टी तुम लोग रहने देना ट्वेंटी भी तुम लोग प्रेफर कर सकते हो अपने हिसाब से ट्वेंटी नहीं तो फोर्टी के बीच में रखना क्वालिटी काफी ज़्यादा मस्त देखने को मिलेगा एंड टेम्परेचर को यहाँ पे कभी भी हाई मत करना थोड़ा क्वालिटी बिगड़ जाता है तो टेम्परेचर को हमेशा माइनस फाइव नहीं तो माइनस टेन के बीच में रखना तो मैं माइनस टेन करके तुम लोग दिखा देता हूं एंड उसके बाद में पे विग्नेट इफेक्ट भी देखने को मिल जाएगा बट विग्नेट इफेक्ट अभी के टाइम में मॉन्टेज में कुछ काम का नहीं आता है इतना कुछ खास फील नहीं देता थोड़ा क्वालिटी और ब्लैक ब्लैक हो जाता है तो विघनेट को रहने देना शार्पनेस को तुम एक काम करना टेन परसेंट रखना क्योंकि यूट्यूब में जब अपलोड करो तो थो क्वालिटी थोड़ा सा फटता है तो शार्पनेस टेन परसेंट कर लेना इससे थोड़ा क्वालिटी बेटर रहेगा एंड हाईलाइट को पूरा फुल कर देना हंड्रेड परसेंट जितना होगा एंड क्वालिटी अभी देख सकते हो तुम लोग पहले से ज्यादा क्वालिटी अभी का थोड़ा ज्यादा क्लियर तुम हम लोग को लेकर थोड़ा हाई क्वालिटी लगेगा तो इसमें ये फिल्टर अप्लाई करने

तो तुम लोग यहाँ पे 4K में सिलेक्ट करके भाई एफ पी एस हमेशा सिक्सटी रखना एंड बी ट्रेड ध्यान से रखना अगर तुम लोगों का घर में अगर वाईफाई अपलोड जल्दी हो जाता है तो तुम लोग यहाँ पे 80 एम रख सकते हो तो अगर तुम लोग फोन से डाटा अगर यूज़ करके करते हो तुम लोग बी ट्रेड ट्वेंटी एम का रखना क्योंकि अगर तुम फुल रखो तो भाई मेरा लगभग सारे तीन जी बी नहीं तो दो जी बी का मॉन्टेज हो जाता है दो मिनट का तो तुम लोग थोड़ा सा एम बी पी एस कम कर लेना ट्वेंटी नहीं तो ट्वेंटी फाइव रखना बट मैं तुम लोग बोलूँगा फोर के के लिए तुम लोग एट्टी एम बी पी एस रहना काफ़ी ज़्यादा मस्त होता है एंड फोर के भी अपना वीडियो को अपलोड करने जैसे तुम्हारा जब अपलोड यूट्यूब में भी थोड़ा अपलोड होने में जब फोर के टाइम लगेगा यूट्यूब को भी पता चलेगा हाँ भाई फोर की क्वालिटी थोड़ा अच्छे से अपलोड करना पड़ेगा तो फोर के में जब क्वालिटी एक्सपोर्ट हो जाएगा यूट्यूब में तब तुम्हारा टेन एंड सेवन ट्वेंटी यार बिल्कुल नहीं फटेगा एकदम क्वालिटी मेंटेन रहेगा तो ये दो टिप्स था यहाँ पर रिकॉर्डिंग एंड थोड़ा एडिटिंग के ऊपर में तो वीडियो अगर तुम लोग को अगर थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो एक कमेंट करके यार जरूर बता देना